हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन कल इलेक्ट्रिक सेल का टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। आज अपन आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा किरचॉफ्स रूल इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके ऊपर किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए हैं, तो वो रूल्स यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किरचॉफ्स ने अपने नाम से बनाए हैं किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ के नियम, यहाँ पे किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दो रूल दिए हैं। यहाँ पे पहला जो रूल है उसका नाम होगा यहाँ पे जैक्सन रूल। मतलब हिंदी में बोलोगे तो संधि का नियम। ये तो यहाँ पे जैक्सन, जैक्सन का मतलब यहाँ पे संधि जो वर्ड है यहाँ पे किसके लिए आया है, जहां पर वो मतलब पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपस में मीट होते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोल देते हैं। जैसे अपने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तीन तार है अपने पास, वायर है मतलब, और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो जहां पर कनेक्ट करते हैं ना वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, जंक्शन पॉइंट आपका कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन रूल यहाँ पे जंक्शन के ऊपर ही लागू होगा ये रूल, इसीलिए ये कह रहा है कि यहाँ पे इसका नाम रख दिया जंक्शन रूल में संधि का नियम। ये क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, सुनिए यहाँ पे जंक्शन रूल क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई जंक्शन पॉइंट है उसके ऊपर टोटल करंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन यहां पे यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टोटल इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर कुल विद्युत धारा का मान हमेशा शून्य होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, समेशन, समेशन का मतलब कुल करंट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो ये तो क्या हो गई है, डेफिनेशन होगी। दूसरा यहां पे आगे इसके लिए यहां पे साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब चिन्ह परिपाटी। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। मतलब यहां पे दो दो है यहां पे साइन कन्वेंशन। पहला क्या है, जो करंट है फ्लोइंग टुवार्ड्स जंक्शन पॉइंट इज पॉजिटिव। मतलब जंक्शन पॉइंट की तरफ जो करंट जाएगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा जो यहां पे है साइन कन्वेंशन क्या है, फ्लोइंग अवे फॉर टुवार्ड्स की जगह क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम ए जंक्शन पॉइंट इज नेगेटिव। मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट इज नेगेटिव। जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट पॉजिटिव और दूर और उससे दूर जाने वाला करंट नेगेटिव होगा। अब यहां पे एक एग्जांपल लेकर अपन यहां पे इसको समझते हैं। तो देखिए किस प्रकार से एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, यहां पे चार करंट आपस में मिल रहे हैं। मान लीजिए कोई करंट यहां पे जा रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार से ये मान लीजिए आई वन है, ये क्या है आई टू है, ये क्या है आई थ्री है, ये क्या है आई फोर है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो। टोटल करंट को जोड़ लीजिए, आई वन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बाहर है अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा माइनस आई वन प्लस में आई टू। क्यों, क्योंकि आई टू क्या है टुवार्ड्स द जंक्शन पॉइंट, आई थ्री माइनस का और आई फोर प्लस का इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या है अकॉर्डिंग टू रूल इक्वेशन आ गई। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई टू प्लस में आई फोर इक्वल टू आई वन प्लस में आई थ्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन और बन सकते हैं यहां पे आपके कि क्या कि ये आपको पता है आई टू और आई फोर कौन से करंट है फ्लोइंग टुवार्ड्स द जंक्शन पॉइंट, और I1 I3 कौन सा है फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। मतलब जो जंक्शन पॉइंट की तरफ आने वाला टोटल करंट हमेशा जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाले टोटल करंट के इक्वल होता है। ये भी वही डेफिनेशन, उसका मतलब भी यही है, इसका मतलब टोटल करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रूल था। कई बार वन मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है कि वन मार्क्स के अंदर
कि जो किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल है ना, वो कंजर्वेशन लॉ के कौन से लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन के कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो कौन से को करता है यहां पे, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। मतलब यहां पे आवेशों के संरक्षण के नियम की पालना करता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, फॉलो करता है। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओवर मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जंक्शन रूल कौन से को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट रूल था। अब देखिए सेकेंड, सेकेंड रूल का जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, लूप रूल। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट रूल। मतलब ये इसका मतलब क्या है, लूप का मतलब क्लोज सर्किट के ऊपर ही लागू होगा। जैसे पिछले वाले का जंक्शन था ना, तो यहां पे जंक्शन पे लागू होता है, लूप का मतलब क्लोज सर्किट के ऊपर लागू होगा। इसका हिंदी में भी क्या बोलते हैं, लूप का नियम। तो यहां पे क्या कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या है, कोई भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर जो जितने भी आपने सेल लगा रखी हैं उनका टोटल ईएमएफ, जो टोटल ईएमएफ है वो हमेशा क्या रहेगा कि जितना भी टोटल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। या अपन यू भी कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन के तौर पे, सिंपल वे में आप करो तो कोई भी क्लोज सर्किट है उसके अंदर टोटल चेंज इन पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। आप ये कर लेना, ये इजी पड़ेगा आपके लिए, क्या कि क्लोज सर्किट के अंदर टोटल चेंज इन पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे लिख दोगे डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन क्लोज सर्किट द टोटल चेंज इन पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब इस रूल के अनुसार किसी बंद परिपथ के अंदर, क्लोज लूप का मतलब बंद परिपथ के अंदर, कुल विभव में परिवर्तन का मान हमेशा शून्य होता है। तो इसका मतलब टोटल चेंज इन पोटेंशियल का मतलब टोटल डेल्टा वी इक्वल टू जीरो रहेगा। ये आपका क्या है, सेकेंड रूल है। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या आ जाएगा, साइन कन्वेंशन आएगा। साइन कन्वेंशन वहां पे कितने थे, दो थे, यहां पे क्या रहेंगे, चार रहेंगे। तो यहां पे क्या रहेगा, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, मतलब जिधर आपके करंट की डायरेक्शन है, जिधर आप करंट आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट और रजिस्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब आई और आर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए फ्लोइंग करंट, मतलब फ्लोइंग करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई और आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तीसरा रूल, जो बैटरी होती है, सेल होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो उसका जो ईएमएफ है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चौथा रूल, अगर आप कहां से जाते हो, नेगेटिव से किधर जाते हो, पॉजिटिव पे जाते हो, तो ईएमएफ है वो क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। ये चार रूल आपको ध्यान रखना, डायरेक्शन में आईआर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आईआर का प्रोडक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में ईएमएफ है। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या है, टर्मिनल है सेल के, अगर सेल के टर्मिनल के पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो तो ईएमएफ पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो नेगेटिव। जो पहले आता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसी के ऊपर अपन एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, तो देखना, कोई क्लोज सर्किट ले लेते हैं। यहां पे मान लीजिए हमने यहां पे एक सेल ले ली है, और एक सेल मान लीजिए हमने यहां पे ले ली है, इसका ईएमएफ मान लीजिए हमने E1 ले लिया, और इसका क्या ले लिया है, E2 ले लिया है। क्लोज सर्किट यहां पर मान लीजिए कोई रजिस्टर लगा दिया है, और यहां पर भी मान लीजिए कोई एक रजिस्टर लगा दिया, इसका नाम आ गया R1, इसका क्या गया है, R2 आ गया। यहां पे एक और रजिस्टर लगा दिया मान लीजिए, तो इसका नाम क्या आ गया है, R3 आ गया।
नाम दे दिया आपने यहां पे ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए फर्स्ट सेल जो है इसका एमएफ कितना है ई वन, तो से करंट कहां से पॉजिटिव से बाहर आता है तो यहां से कितना करंट आएगा आई वन आएगा, इसका भी पॉजिटिव है इधर ही तो इस यहां से कितना आ जाएगा आई टू आएगा, तो एफ के ऊपर आई वन इधर से आई टू दोनों मिलकर किधर जाएंगे आई थ्री जाएंगे, तो सी सी पॉइंट पे कितना पहुंच गया आई थ्री पहुंच गया। आप देख रहे हो कि ईवन सेल से आई वन बाहर जा रहा है तो आई वन क्या जाएगा अंदर जाएगा, मतलब आई थ्री में से आई वन ऊपर चला गया और तो नीचे कितना बच गया आई टू बच गया है, ये आपका क्या हो गया है क्लोज सर्किट, मतलब कोई सर्किट हो गया। इसमें अपन कोई भी एक लूप ले लेंगे, मतलब क्लोज सर्किट अपन ले लेंगे, तो अपने ये मान लीजिए आपने यहां पे लूप ले ली है, कौन सी ले ली है बारह वाली ले लीजिए, एक लेके दिखा देता हूं ए बी सी डी ई एफ ए, ए से चलकर ए पर पहुंच गए तो क्लोज ब्रिंग, अगर मैं यहां पे एफ तक लिख देता हूं गलत हो जाता है, क्यों क्योंकि यहां से ए से एफ तक होता तो यहां पे इनका मतलब सर्किट क्या नहीं होता क्लोज नहीं होता, तो रोंग होता तो ए से ए तक ही पहुंचोगे तो ही क्या रहेगा क्लोज सर्किट रहेगा। अब जैसा लूप लिया उसके अकॉर्डिंग चलिए आप, ए से कहां जाना आपको बी पे, ए से बी की तरफ चलिए तो पहले कौन सा आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे तो ईएमएफ क्या आएगा पॉजिटिव ई वन लिख दिया। आगे चलिए आपने आगे जा रहे तो रजिस्टर आ रहा है और करंट क्या रहा है वापस आ रहा है, मतलब आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, मतलब आप इधर जा रहे हो करंट वापस आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या आता है माइनस, करंट कितना है यहाँ पे आर वन में आई वन, रेजिस्टेंस कितना है आर वन, कहां पे पहुंच गए बी पे, बी से कहां जाना है सी पे, सी पे ना रजिस्टर आया कोई ना कोई सेल आई, सी से कहां पे जाना है डी पे आ जाओ ना सेल आई ना रजिस्टर आया, फिर डी से कहां पे जाना ई पे, तो क्या गया रजिस्टर। आप करंट भी ऐसे ही जा रहा है आप भी ऐसे जा रहे हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव, करंट कितना है आई टू और रजिस्टर कितना है आर टू। आगे क्या आ गई सेल, सेल के कहां से कहां जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब क्या गया ई टू आ गया, इक्वल टू क्या गया आपके पास है मतलब सॉरी कहां पे पहुंच गए ई, ई से कहां जाना एफ पे, कोई सेल कोई रजिस्टर नहीं आया, इस अब से कहां जाना ए पे, मतलब पहुंच गए आप क्लोज सर्किट हो गया और टोटल चेंज इन पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू रूल, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे I2 प्लस में R, I2 R2 और क्या आ गया है माइनस में I1 R1 इक्वल टू E2 माइनस E1, ये आपके पास आ गया। तो दूसरी डेफिनेशन में कह रहा था टोटल EMF इक्वल टू टोटल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वो भी लिख सकते हो, तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। अपन ने क्लोज यहाँ लूप कौन सी ली है ये वाली, आपकी मर्जी आप ये भी ले सकते हो आप ये भी ले सकते हो, बोले ये वाली लूप ये ले सकते कौन सी ले लीजिए, ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार से आप ये किर्चॉफ के रूल थे दो आपने पढ़ा। इसके बाद अपन इसका जो रूल्स आपने पढ़े इनका यूज करते हुए एक टॉपिक पढ़ेंगे, देखना देखिए टॉपिक का नाम होगा यहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है व्हीट स्टोन सेतु, ब्रिज का मतलब सेतु, यहां पे टॉपिक का ये नाम है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता ही क्या है, तो आप क्या बताओगे सिंपल ये फोर रजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट होता है इन फॉर्म ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज की फॉर्म में एक फोर रजिस्टर का क्या होता है चार प्रतिरोधों का एक संयोजन होता है, और जब ये सर्किट क्या होता है जब इसके अंदर जब मतलब इसके अंदर जो गैलोमीटर लगता है, जब गैलोमीटर क्या होता है मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तब ये ब्रिज क्या होता है इन बैलेंस फॉर्म में होता है, मतलब ये क्या लिखोगे कि ये फोर रजिस्टर का एक ब्रिज फॉर्म होता है, उसके अंदर गैलोमीटर क्या दिखाए जीरो डिफ्लेक्शन, आई जी इक्वल टू क्या दिखाए जीरो दिखाए, तब ये किस फॉर्म में होता है बैलेंस फॉर्म में, मतलब चार रजिस्टर मान लीजिए पी क्यू आर एस, तो बैलेंस फॉर्म का मतलब पी अपॉन में क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस, इस फॉर्म में ये होगा, ये क्या हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये तो होगी इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने बताया आपको कितने रजिस्टर होंगे यहाँ पे चार होंगे, तो देखिए एक रजिस्टर मान लीजिए आपने यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया है इस प्रकार से,
मान लीजिए आपके पास कितने हैं पी क्यू आर और एस, चार रजिस्टर हैं। इसको किसी सर्किट के अंदर जोड़ दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कोई सेल लगा दी है और यहाँ पे आपने ये जोड़ दिया है। यहाँ पे एक और की लगा दी है, मान लीजिए इसका के टू नाम हो गया, इसका के वन मान लो, और यहाँ पे गैलोमीटर जोड़ दिया है। यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए मान लीजिए यहां से आपका करंट कितना फ्लो किया, यहां से आई किया, आई करंट किया तो मान लीजिए इसमें कितना चला गया आई वन चला गया, और आई में से मान लीजिए आई में से आई वन इधर चला गया, इधर कितना गया तो फिर आई माइनस आई वन, क्योंकि आई था आई में से आई वन इधर चला गया, तो इधर कितना बचा आई माइनस आई वन, और इधर कितना जाएगा आपका नीचे मान लीजिए कितना चला गया आई जी, और आई जी यहां पे चला गया है तो आप यहां पे मान लीजिए बैलेंस फॉर्म की कर लेते हैं अपन, सीधा डायरेक्ट बैलेंस फॉर्म ही मान लेते हैं, तो आई जी इक्वल टू क्या है जीरो, मतलब कुछ नहीं गया नीचे, तो यहां पे आई वन पहुंचा था बी पे तो आई नीचे तो जीरो गया है, तो यू का यू किधर चला गया इधर चला गया, इधर से कितना आया जीरो आया, इधर से क्या है आई माइनस आई, तो ये यू का यू आगे चला गया आई माइनस आई वन, इधर से आई वन इधर से आई माइनस आई दोनों को टोटल करोगे तो आई द्वारा हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया सर्किट हो गया है किसका व्हीटस्टोने ब्रिज का। आपको करना क्या है, आपको ये आई जी इक्वल टू जीरो हो तो पी अपोन में क्यू इक्वल टू आर अपोन में एस शो कर रहा है कि इस ऐसे होता है इस पर यहां पे लेकर, और किसका यूज करके अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ लूप रूल का। तो यहां पे देखिए दो दो लूप है यहां पे, एक लूप तो ये है और दूसरी लूप आपकी ये है, तो यहां पे बाई लूप कौन सी है यहां पे देखिए ए बी डी ए, ठीक है कि नहीं है, तो यहां पे कौन सी है ए बी डी ए, ए बी डी ए लूप है, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे ए बी लूप के अकॉर्डिंग चलिए, ए से बी पे जाते हो तो क्या आता है करंट के डायरेक्शन में है तो क्या है करंट कितना है आई वन, रेजिस्टेंस कितना है यहां पे पी, तो क्या आ जाएगा आई वन पी। बी से कहां जाना है डी पे, डी से जाते तो करंट की वैल्यू जीरो है तो कुछ नहीं है, डी से कहां जाना है ए पे तो करंट कितना है आपके पास आई माइनस आर, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो क्या आ जाएगा यहां पे और डायरेक्शन में हो या करंट, देखिए आप जा रहे हो डी से ए, करंट कैसे जा रहा है आ रहा है ए से डी जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हो माइनस, तो क्या आ जाएगा आई माइनस आई वन करंट है और इनटू में रेजिस्टेंस कितना है यहां पे आर है, ठीक है दिनिया? तो क्लोज लूप हो गया इक्वल टू क्या गया जीरो। आप कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई वन पी, इसको लेके चलिए राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा आई माइनस आई वन इनटू में आर, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है फर्स्ट आ गई है। अब देखिए दूसरी लूप में ये बता रहा था बाय लूप, लूप कौन सी बी सी डी बी, बी सी डी बी, तो चलिए बी से सी पे जाइए करंट कितना है आई वन, रजिस्टर कितना है क्यू, करंट भी ऐसे ही जा रहा है आप भी ऐसे जा रहे हो तो क्या आ जाएगा आई वन क्यू। अब सी से डी जा रहे हो, आप तो सी से डी जा रहे हो परंतु करंट कहां से कहां जा रहा है डी से सी जा रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस आई माइनस आई वन इंटू में रजिस्टर कितना है एस इक्वल टू, क्योंकि यहां से डी से कहा जाना है बी तो करंट ही जीरो, तो इक्वल टू क्या गया जीरो, इसको इधर लेके जाइए तो क्या गया आई वन क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू में एस इक्वल इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन फर्स्ट को टू से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा आई वन पी अपोन में आई लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड को राइट हैंड साइड से इंटू में आर अपॉन में आई माइनस आई वन इंटू में एस, इसे आई वन से आई वन ये कट गया तो क्या गया पी अपॉन में क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस। ये क्वेश्चन जब आपका प्ली है जब आपने क्या माना है मीन्स आई जी इक्वल टू जीरो, मतलब आई जी की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, मतलब सर्किट इन बैलेंस फॉर्म, मतलब सर्किट क्या है ये कब आया है व्हेन सर्किट इन बैलेंस फॉर्म, मतलब बैलेंस फॉर्म में है, बैलेंस फॉर्म का मतलब आई जी इक्वल टू जीरो होगा ना तब ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद यहां पे देखिए आपको पता है कि यहां पे जैसे उसमें पूछा गया था कि किर्चॉफ्स का जो जंक्शन रूल कौन से लोग को फॉलो करता है उसी प्रकार से यहां पे सेकंड जो लोग किया था मैंने उसके बारे में बताया कि उसके बारे में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है क्या कि ये पूछा जा सकता है किर्चॉफ्स का सेकंड रूल किसको फॉलो करता है, तो आप उसमें क्या बताओगे किर्चॉफ्स का सेकंड रूल किसको फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वो याद रखना सेकंड वाले में। फर्स्ट रूल किसको फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, दूसरा किसको करता है किर्चॉफ का लूप रूल किसको फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करता है, मतलब ऊर्जा के संरक्षण नियम की पालना करता है, ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर ये आपका था
और किचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है यहां पे लागू हुआ है किसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, और व्हीटस्टोन के ब्रिज के अंदर लागू हुआ है यहां पे, मतलब एक प्रकार से यहां पे कोई अरेंजमेंट, एक प्रकार का अरेंजमेंट था। और ये वाला जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे। एक्चुअल में अपन आज से क्या स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट कर दिया है, और इलेक्ट्रिक सर्किट को आगे पढ़ने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट किस प्रकार से यूज होंगे उसके लिए बेस था आज का जो मतलब जो लेक्चर है। इसके अंदर जो मैंने बातें बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे वो थोड़े लेंथी होंगे, जैसे मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, उसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, तो उसके अंदर सिर्फ किसका यूज होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही यूज होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर किसका यूज हुआ, किर्चॉफ्स का सेकंड रूल का यूज हुआ है, लूप रूल का। मतलब लूप रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और किर्चॉफ्स के दोनों रूल है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल को छोड़कर दूसरे साल आपके आ ही जाते हैं किर्चॉफ्स के रूल बताइए, तो ये वो इंपॉर्टेंट है। और व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में एक टॉपिक, भले अभी आगे आने वाले टॉपिक है ना, सारे के सारे इंपोर्टेंट है और एक दूसरे से सारे क्या है, रिलेट है। तो आज का टॉपिक आपके लिए यूं मान के चलिए कि डबल आपके इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये तो अपने आप में तो इंपोर्टेंट है ही है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक टोटली इनके ऊपर क्या रहेंगे, बेस्ड रहेंगे। अगर आज का आपने अच्छे से आपने क्लास अटेंड करी, मतलब अच्छे से वीडियो देखा, नोट्स बनाए ना, तो ही आपका कल आप टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो क्या रहा है। क्योंकि मैं यहीं पे यही रूल लागू कर रहा हूं, किर्चॉफ्स का सेकंड रूल के अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब पी अपॉन में क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस, सर्किट इन बैलेंस फॉर्म, इस तरह की बातें कल यूज होंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके स्टूडेंट्स।